हेलो गाइस, स्वागत है एमएम टेक्निकल चैनल में। तो भाई इस वीडियो में जो है कि मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका फेसबुक पेज है, अगर आप उसको मोनेटाइजेशन करना चाहते हो, अगर आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए इजिबल हो गया है, उसके जो क्राइटेरिया रहते हैं, 5 जो क्राइटेरिया रहते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और वहाँ पर जो है कि सेटअप का ऑप्शन आ गया है इन स्ट्रीम एड से, तो आज जो है कि मैं इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने पेज को इन स्ट्रीम से मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस मैं जो है कि आपको बताता हूँ सेटअप करके कि आपको क्या क्या चाहिए रहता है, क्या क्या आपको भरना है। जो इसमें जो है कि 5 चैप्टर रहते हैं वो जो है कि मैं भर के जो है कि आप पूरी प्रॉपर तरीके से आपको बताने वाला हूँ और जो है कि इस वाली वीडियो को आप देख के जो है कि अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइजेशन कर पाएंगे गाइज इन स्ट्रीम एड्स से। तो गाइज शुरू से लेके आपको जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो गाइज अभी तक आप चैनल पर नए हो, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। गाइज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने के लिए अपने जो है कि मोबाइल की स्क्रीन पर जाता हूँ और अपने जो है कि आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है। तो गाइज अभी चलता हूँ मैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो गाइज मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको इन स्ट्रीम से ऐड करने के लिए अपने जो है कि क्रोम ब्राउजर में जाना पड़ेगा। तो मैं आ गया हूँ क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पे जो है कि आपको लिखना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। तो मैं यहाँ पे जो कि सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, मोनेटाइजेशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो है कि आपका जो स्टूडियो है वो यहाँ पे जो है कि ओपन हो जाएगा और आपको इस साइट में आपका देख सकते हो यहाँ पे जो है कि इन स्ट्रीम का जो ऐड है वो यहाँ पे सेटअप करने के लिए यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ पे जो है कि जस्ट हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया था और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे मैंने जो है कि पूरे किए। वो जो है कि पूरा जैसे कि मैं प्रोसेस बताता हूँ वो आपको जो है कि पूरा लिख लेना है। उसके बाद में जैसे कि ऊपर यहाँ पे जो कि आप सेटअप करोगे तो सबसे नीचे नीचे जाके जो है कि एग्री का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके ये पहला जो स्टेप है ये जो है कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कि दूसरे नंबर पर आता है सेटअप अकाउंट, यहाँ पे जो है कि आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा नीचे है कि नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे जो है कि क्लिक करना है और ये जो है कि सेटअप करने के लिए ऑप्शन आ गया है गाइज। देखिए यहाँ पे जो है कि आ गया है और जो है कि सबसे पहले अगर आपने सेटअप नहीं किया तो क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट पर जो है कि आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कि आपकी कंट्री जो है कि सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे जो है कि कंट्री सिलेक्ट करता हूँ तो मैं जो है कि इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको बिजनेस टाइप में लिखना है इंडिविजुअल। अभी जो है कि आपके सामने दूसरा पेज जो है कि ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ गया है इंडिया इंडिविजुअल। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे जो है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, अगर आपके 3 नाम हैं मतलब आपके नाम में 3 अक्षर हैं तो मिडिल नेम लास्ट नेम ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि मैं, उसके बाद में यहाँ पे जो है कि बिजनेस एड्रेस जो है यहाँ पे जो है कि अपना जो है कि जो आपके पास आधार कार्ड है उसका जो है कि उसके पीछे जो है कि आपको एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है। यहाँ पे जो है कि सिटी है, जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे जो है कि लिख लेना है। नीचे जो है कि आ रहा है प्रोवाइसी, इसमें जो है कि अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पोस्टल कोड आ रहा है, यहाँ पर जो आपका जो पिन नंबर है आपकी तहसील का या आपके गाँव का जो पिन कोड है वो यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर और नीचे जो है कि आपको लिखना है फ़ोन नंबर और नीचे जो है कि अदर गवर्नमेंट इशू टैक्स आईडी, यहाँ पर जो है कि क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे नीचे जो है कि आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर टैक्स आईडी नंबर लिखना है, ठीक है। उसके यहाँ पर जो है कि आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो है कि पैन कार्ड जो रहता है ना उसका जो है कि आपको नंबर लिख लेना है गाइज, ठीक है। तो ये जो है कि मैं पूरा जो है कि फिल करता हूँ फिर जो है कि आपको बताता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है कि मैंने पूरा जो है कि भर लिया है, मतलब कि मैंने ब्लर कर दिया है इसको, ठीक है। आपको जो है कि अपना पूरा यहाँ पे लिख लेना है, इसमें जो है कि भर लेना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो आपको क्या है नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो आने के बाद में यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड में बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ है ना, वो लिखनी है। होम एड्रेस जो पीछे लिखा था वही लिखना है। सिटी जो है आपकी, जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे लिखना है। प्रोवाइंस में आपका जो स्टेट है वो लिखना है। पोस्टल कोड लिखना है और यहाँ पे जो है कि जीमेल एड्रेस, मतलब जिस जीमेल पे आपको जो है कि नोटिफिकेशन आएगी पेमेंट की या किसी की भी, वो यहाँ पे जो है कि आपको लिख लेनी है। तो मैं जो है कि ये फिल करता हूँ और जो है कि फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। सो गाइस जी यहाँ पे जो है कि मैंने दूसरा जो स्टेप है ऊपर आप देख सकते हो कम्प्लीट कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट करने के बाद में जो तीसरा हमारा जो फॉर्म आया है वो जो है कि ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है कि आया है आपका जो बैंक डिटेल है वो फिल करने के लिए। ओके गाइज यहाँ पे जो है कि आपका जो अकाउंट होल्डर नेम,
अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, शिफ्ट कोड लिखना है और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। तो मैं जो है कि इसको यहाँ पर जो है कि भर लेता हूँ, फिर मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जो है कि मैंने अपनी जो बैंक डिटेल है वो यहाँ पे जो है कि फिल कर ली है। मतलब आपका जो नाम है ना बैंक अकाउंट पे, यहाँ पे जो शिफ्ट कोड है ना आपको जो है कि अपने बैंक से मिल जाएगा। वो रहता है जो है कि ज़िले में जो बड़ा ब्रांच रहता है उसका जो है कि शिफ्ट कोड यहाँ पर जो है कि रहता है। तो मैंने जो है कि वो फिल कर लिया है। उसके बाद में जो है कि मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज, ये चौथा जो स्टेप है, ये जो है कि आपका जो टैक्स आईडी है ना वो जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे भरना पड़ता है गाइज, ठीक है। मैंने जो है कि इसको जो है कि आपको टैक्स जो फॉर्म है वो कैसे भरना है वो मैंने एक वीडियो इसमें बनाई है, वो मेरे चैनल पे जो है कि आप देख सकते हो गाइज। तो मैं फाइल में जाएगा, तो गाइज यहाँ पे जो है कि मैं जाएगा माई डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ पर जो है कि मैंने जो एक फॉर्म है वो यहाँ पर जो है कि मैंने बना के रेडी रख रखा है। अगर आपको ये नहीं बनाना आता तो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कि मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो है मेरा जो है कि ये अपलोड हो गया है, मतलब टैक्स फॉर्म ये सक्सेसफुल देख सकते हो गाइज, ये अपलोड हो गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे जो है कि दूसरा पेज यहाँ पे जो है कि आ जाएगा गाइज। और अभी जो है कि ये जो है कि पे अकाउंट यहाँ पे जो है कि आ गया है और यहाँ पे जो है कि नीचे आपको आ रहा है डन का ऑप्शन, तो यहाँ पर जो है कि डन कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोनों जो कम्प्लीट हैं यहाँ पर जो है कि बिल्कुल कम्प्लीट हो गए हैं, नीचे जो है कि सबमिट फॉर रिव्यू का यहाँ पे जो है कि ऑप्शन आ रहा है, ठीक है गाइज। यहाँ पे जो है कि हम इसको सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे योर सबमिट वाज रिसीव्ड यहाँ पे जो है कि आ गया, यहाँ पे जो है कि ओके करते हैं गाइज। अभी देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो जो है कि हुआ मोनेटाइजेशन नहीं नहीं हुआ, या वो जो है कि अभी देख सकते हो इन रिव्यू में चला गया है। यहाँ पर देख सकते हो इन स्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड जो है वो इन रिव्यू में आ गया है गाइज। तो इस प्रकार से आप जो है कि इसको भर सकते हो। सो गाइज इस तरीके से आप अपने पेज को मोनेटाइजेशन कर पाएंगे और वो जो है कि आपका नसीब है कि हाँ 1 घंटे में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, अंडर रिव्यू में जो है कि आ जाएगा। किसी किसी का जो है कि एकदम से ही जो है कि हैंड टू हैंड जो है कि मोनेटाइजेशन हो जाता है, मगर अभी जो है कि प्रोसेस नहीं है। ये जो है कि फेसबुक टीम जो है कि चेक करती है, फिर उसके बाद में जो है कि आपका जो पेज है वो मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अगर आपसे जो है कि टैक्स जो फॉर्म रहता है वो भरना नहीं आए तो जो है कि आप देख सकते हो मेरी जो है कि आई बटन में मिल जाएगी वो वाली वीडियो, आप वहाँ पर जाके जो है कि उस फॉर्म को पहले सबमिट कर सकते हैं, पहले उसको भर सकते हैं, फिर उसके बाद में जो है कि इन स्ट्रीम एड्स जो है कि आप मोनेटाइजेशन करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो भाई फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले दीजिए इजाजत, गुड बाय।